बट देखिए आप हल्के से भी मैं ये प्रेशर से इसको पुश इजीली मूव कर सकते हैं, बट इसके केस में इतना टाइट हो चुकी है बैक कि मूव करना ही एक अपने आप में चैलेंज है। जिस तो हम इस हाथ से इसको खींच विदाउट जितना ऊपर लाओगे, पहले जितना ऊपर लाओ फुलाओ पेट को सांस लो। आज की ये वीडियो आपके बारे में है ना, आप अपना नाम बताएं, क्या दिक्कत है, कितने दिन हुए हैं, पाँव भी रिलैक्स भी कर लो यार, ऐसे थोड़ा टाइट रखोगे, क्या प्रॉब्लम है, कितने दिन हुए? सर मेरा पहला नाम मेरा अंशुल है और मेरे को फरवरी से दिक्कत है लोअर बैक पेन, वो पेन जा रही है पूरी लेफ्ट साइड की टांग में पूरा है, अभी एंकल में है और फिंगर्स में है। तो क्या बताया था मैंने, क्या दिक्कत है? सर आपने बताया था साइटिका है तो उसके लिए अभी ट्रीटमेंट चल रही है मेरी लास्ट 4 डेज से। कैसा फील हो रहा है, कुछ फ़ायदा है नहीं है? हाँ सर अभी शिफ्ट हो रही है, दर्द शिफ्ट यानी कि दूसरी टांग में जा रही है? नहीं सर पहले थी एग्जिस्टिंग यहाँ पे थी, अब यहाँ से यहाँ जा रही है, अभी थोड़ा ट्रीटमेंट चली गई। बट थोड़ा सा आराम लग रहा है? यस सर। सोते समय ये सारी चीज़ें चलते समय? जी सर। और इंसोल भी दिया था? इंसोल भी दिया हुआ है। हाँ उससे भी फायदा लग रहा है? हाँ सर इंसोल डालता हूँ तो दर्द नहीं होती है। नहीं होती है जी। और आपकी दिक्कत दोस्तों इसकी हाई आर्च की दिक्कत थी, हाई आर्च की वजह से इसको सारी दिक्कतें आ रही थी और ये एक पाँव पे वेट ज़्यादा डालता है एक पाँव पे वेट कम डालता है, तो हमें ये समझ आ गया था स्लिप डिस्क का जो कारण है वो इसके हाई आर्चेस हैं। और दोस्तों बहुत सारे लोग जो आते हैं जो हाई आर्च होते हैं वही सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं कंपेयर टू जो लो आर्च या फ्लैट फीट होते हैं, जो हमने अभी तक इतने सालों में समझा है और देखा, तो हाई आर्च वालों को हम सबसे ज़्यादा एडवाइस करते हैं। इसका हम कपिंग कर रहे हैं, नीडलिंग कर रहे हैं और प्रोग्राम भी लगा रहे हैं टांगों में, 4 दिन से आ रहा है, इसको 10 दिन के लिए हमने बोला है। आप वीडियो देखते रहिए, कोई भी सवाल हो शियाटिका से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछते रहिएगा। लेटेंगे कहाँ से आते हो आप? अच्छा हिमाचल से। उल्टा लेटेंगे दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में हम सब बेसिकली एक वर्ड जो बहुत यूज़ करते हैं, बेसिकली सब लोग कहीं ना कहीं से होते हैं और कहीं और आते हैं या जाते हैं काम के लिए। रिलैक्स इजी ब्रीद आउट। अब आप पूछ रहे होंगे इसको शाटिका है यहाँ की दिक्कत है, तो मैंने ये क्यों किया, क्योंकि जब भी दिक्कत होती है अलाइनमेंट बिगड़ता है तो पूरे के पूरे स्पाइन का बिगड़ता है, सिर्फ एक जगह का नहीं होता, बट क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉमन एरिया होता है जहाँ पे वेट सबसे ज़्यादा आता है तो इसी जगह की नर्व्स पे या डिस्क पे दिक्कत ज़्यादा आती है, पर इसका मतलब ये नहीं है। और शियाटिका या स्लिप डिस्क वाले पेशेंट्स के केस में भी आप देखेंगे शोल्डर ऊपर नीचे रहता है, जैसे कि इसका पोस्चर भी अगर आप ध्यान से देखें सामने से देखो तो आप देख सकते हैं उसके कैमरे नीचे को, हाँ तो इम्बैलेंस और ये कंधा वीक ये सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, इसलिए मैंने ये भी किया। और ये जो डॉर्सल स्पाइन है ये भी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, इसी टाइटनेस की वजह से ये पार्ट बहुत टाइट हो जाता है, जैसे कि इस केस में। इजी टर्न करेंगे मेरी तरफ नीचे वाला पैर सीधा, रिलैक्स पीछे मत जाओ, डॉक्टर से डरते नहीं है। इजी अब देखेंगे इसकी, ये तो बिल्कुल दुबला पतला है, लीन थिन है, बट तब भी अगर मैं बाकी लोगों के आपने बाकी वीडियोस देखी होंगी तो कितने इजीली मूव कर सकते हैं, बट इसके केस में इतना टाइट हो चुकी है बैक कि मूव करना ही एक अपने आप में चैलेंज है, जस्ट करना ही चैलेंज है ना। तो अब इसके केस में मेरी ग्रिप हमेशा इस तरह से रहती है, मैं ऐसे नहीं पकड़ता क्योंकि उसमें मुझे वो फोर्स नहीं मिल पाता, बट मैं एक हाथ से इसको पीछे करता हूँ, इस हाथ से इसको खींचता हूँ तो ये खुल तो जाता है, बट इसकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा, इस मसल की रिजिडिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा टाइट होती है। ये मसल होती है ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस और इसका काम ही रोटेशन का काम होता है, कॉर्सेट की तरह बैक को होल्ड करना टाइट रहता है, लेकिन वो उस पर प्रेशर पड़ पड़ के उसकी जो मूवमेंट है रोटेशन की वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो इसका कोर बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है।
टर्न करेंगे उस तरफ। और वो उस तरफ की टाइट ज्यादा लग रही थी मुझे, मैंने सिर्फ अभी फील किया है, और जैसे मैं इस तरफ आ रहा हूँ टाइटनेस इसमें भी है, बट देखिए आप हल्के से भी मैं ये प्रेशर से इसको पुश कर पा रहा हूँ। सीधा लेटेंगे, और ऐसे केसेस में ना ये पेट भी बहुत ज़्यादा टाइट रहता है, क्योंकि बैक टाइट, जिसकी बैक टाइट होगी उसका स्टमक पेट बहुत ज़्यादा टाइट रहेगा ही रहेगा। और इनके केस में जब कभी भी फील करना हो कि कितनी टाइटनेस है, लंबी सांस लेनी है और लंबी सांस छोड़ो, देख रहे हैं मसल्स बिल्कुल कांपने लग गए, एक बार ऊपर कर लेंगे टी शर्ट, हाँ लंबी सांस लो, छोड़ो छोड़ो, सोचो कि पेट है ये सामने वाला, ये बैक है, इस पेट को इससे बैक से चिपकाना है ना, तो जितना ऊपर लाओगे, पहले जितना ऊपर लाओ फुलाओ पेट को, सांस लो, सांस लो पेट, तो आओ सांस लोगे तो पेट ऊपर आएगा, हाँ सांस पेट बाहर लाओ, पहले पेट बाहर लाओ, बाहर लाओ सांस लेके, हाँ अब सांस छोड़ोगे तो पेट अंदर जाएगा, सांस छोड़ो पेट अंदर जाओ, सांस लोगे पेट बाहर आएगा, सांस छोड़ोगे तो पेट अंदर जाएगा, हाँ सांस लो छोड़ो छोड़ो, इसके कोर की ही सारी समस्या है, यही सारी इसकी चीज़ है, तुम्हें सांस लेना छोड़ना सीखना है, तुम्हारी सांस भी सही तरीके से अंदर बाहर नहीं हो पा रही है। चलो दोबारा करो, सांस लोगे तो पेट बाहर लाना है, गुब्बारे में हवा डालते हैं, बैलून फूलता है, जब हवा निकलती है तो बैलून सिकुड़ता है, तो बैलून को पहले फुलाना है फिर सिकुड़ेगा, करो जाओ, सांस निकालो, रोकनी नहीं है, निकालो सांस, जाओ निकालो 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 निकालो, ये है सही तरीका। तो अब ऐसे केस में जब हम फील करते हैं तो पूरी अंदर की मसल्स फील कर सकते हैं स्टमक की, कि वो कितनी टाइट है। अगर आप इसका एंगल भी देखेंगे तो ये जो पैर है, बॉडी है, वो एक एंगल में है, टांगें जो हैं वो इस तरफ राइट की तरफ दौड़ रही हैं, ये है अलाइनमेंट जो आप बहुत सारे लोग पूछते हैं, इसी को आप इमेजिन कीजिए कि बैक अगर एक्सरे में दिखेगी तो कैसे दिखेगी, इसकी बैक भी जो दिखेगी वो राइट की तरफ जा रही होगी, बट एक्सरे होता है खड़े रहने की पोजीशन में, तो उस वक्त बहुत सारे जॉइंट्स अपनी स्पेस चेंज कर देते हैं, इसलिए उसमें काफ़ी कुछ कॉम्प्रोमाइज आता है। तो एक्सरे भी अगर इस ढंग से लिया जाए तो इसी पोजीशन में लेना चाहिए। नेक आपने देखा कि ये भी बहुत ज़्यादा टाइट थी, आ जाओ बैठो, इसका उठने का तरीका देखिए, सीधा उठा है, गलत तरीका है, करवट लेके उठना है, तुम खेलते कूदते नहीं थे मुझे ऐसा लगता है यार, हाँ हिमाचल में लोग खेलते नहीं है, नहीं सर खेलते हैं, क्या खेलते हैं सर, हम क्रिकेट वॉलीबॉल, तो बॉडी में कहाँ दिख रहा है कि क्रिकेट वॉलीबॉल खेला है सर, लास्ट काफी टाइम हो गया नहीं खेला हुआ, नहीं खेला वो इसीलिए तो नहीं दिख रहा। तो दोस्तों ये अंशुल की, अंशु ना, यस सर, अंशु की स्टोरी थी, आप लोगों में से हिमाचल उत्तराखंड इस तरह से जो भी हैं, अगर या बाकी लोग जो नॉर्मल दिल्ली एनसीआर में भी रहते हैं, किसी का कोर वीक है तो समझ लीजिए आपको ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं, आप सबका अलाइनमेंट वीक हो सकता है, जिस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको सांस लेना सिखाया है, गुब्बारे की तरह पेट फुलाना, अंदर जाना, ये चीज़ ज़रूर करके देखें कहीं आपकी मसल्स कोर वीक तो नहीं हो रही, और इसको स्लिप डिस्क है, हम इसका स्लिप डिस्क का इलाज करते रहेंगे, आपको कोई भी समस्या हो हमसे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, और दो लोग या तीन लोग मुझे लाइक करते हैं तो हो सके तो इस बार 5-6 लोग मुझे लाइक इस वीडियो पे दे दें, थैंक यू।